सो हे गाइस, आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द अल्टीमेट सेक्रीफाइस वाले एपिसोड को, जो एपिसोड बेन 10 अल्टीमेट एलियन के टॉप 5 एपिसोड्स में से एक आता है। एंगुरु लुक द अल्टीमेट सेक्रीफाइस की कहानी स्टार्ट होती है बेलबुड सिटी से, जहां पे केविन 11 एंड ग्वेन टेनिसन एक जायंट रोबो से लड़ते हैं और वो जायंट रोबो एलियन केविन 11 को काफी तबीयत से कूटता है और केविन बाबू से कहता है कि तुम सबको हराने के बाद मैं इस पूरे यूनिवर्स का सबसे ताकतवर क्रिएचर हो जाऊंगा। तभी मेरी प्यारी ग्वेन अपने मैना पावर को खींच के मारती है उस जायंट रोबोट के मुंह पे और गुरु लोग उसी वक्त एंट्री हो जाती है ह्यूमांगा सौर की और वो खींच के एक पंच मारता है उस जायंट रोबोट को और कहता है कि तुमसे ज्यादा पावरफुल एलियन मैं हूँ। और कसम से ह्यूमांगा सौर के इतना ही कहते वो जायंट रोबोट खींच के एक कार मारता है ह्यूमांगा सौर के मुंह पर और अपने ऑक्टोपस जैसे लोहे के हाथों से ह्यूमांगा सौर को जकड़ लेता है। और गुरु लोग उसी वक्त ह्यूमांगा सौर ट्रांसफॉर्म हो जाता है अल्टीमेट ह्यूमांगा सौर में और उस जायंट रोबोट के हाथों को चीड़ फाड़ देता है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि अल्टीमेट ह्यूमांगा और सलमान भाई का बहुत बड़ा फैन हो। तो गुरु लोग जायंट रोबोट के हाथों को चीड़ फाड़ देने के बाद में अल्टीमेट ह्यूमांगस और काफी स्ट्रॉन्ग टेल अटैक करता है, जिस अटैक की वजह से जायंट रोबोट काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है और उसी वक्त अल्टीमेट ह्यूमांगस और अपने हाथों के कैनन से फायर कर देता है जायंट रोबोट के ऊपर और उसके बाद वो उसके पास जाके इतना ब्रूटल तरीके से तोड़ता है कि केविन 11 और ग्वेन देख के ये दंग रह जाते हैं। जायंट रोबोट अल्टीमेट ह्यूमांगस और के अपनी जान की भीख मांगता है कि गुरु हमको छोड़ दो, दोबारा हम इस प्लेनेट पे नहीं आएंगे। और तभी ह्यूमांगस और कहता है कि भैया इसका सवाल नहीं पैदा होता, अब मत्थे चढ़े हो तो पीसेंगे जरूर तुमको। और तभी टीम टेनिसन अल्टीमेट ह्यूमांगस और के पास में जाती है और अल्टीमेट ह्यूमांगस और को रुकने के लिए कहती है, पर ह्यूमांगस और किसी की एक ना सुनता है। तैसे ही गन कहती है कि बेन रुक जाओ, वो मर जाएगा। और गुरु लोग उसी वक्त आता है कहानी में ट्विस्ट, अल्टीमेट ह्यूमांगस और कहता है कि मैं बेन नहीं हूँ और इतना ही कह के अल्टीमेट ह्यूमांगस और ग्वेन के ऊपर में एक पंच से अटैक कर देता है और केविन 11 को उठा के फेंक देता है। और फिर अल्टीमेट ह्यूमांगस और मेरी प्यारी ग्वेन के पास जाता है और उसे ऐसे मुट्ठी में भर लेता है जैसे 2 साल का बच्चा चॉकलेट अपने हाथ में भर लेता हो। और फिर ग्वेन कहती है कि बेन रुक जाओ, तुम्हें जो भी हुआ है हम उसका इलाज करवाएंगे। और अल्टीमेट ह्यूमांगस और कहता है कि एक बार बोल दिए ना कि हम बेन नहीं है और खींच के मारता है एक मुक्का ग्वेन को। और अल्टीमेट ह्यूमांगस और की इतनी बकैती देख के ग्वेन भी गुस्सा जाती है और दे मारती है अपने मैना प्लेट्स को अल्टीमेट ह्यूमांगस और के ऊपर। और फिर मेरा दिल तोड़ के चली जाती है केविन के पास में और केविन कहता है लगता है बेन के दिमाग का स्क्रू ढीला हो चुका है। लेकिन परंतु वहाँ पे ग्वेन कहती है कि इसके दिमाग का स्क्रू नहीं ढीला है, मुझे लगता है कि इसे एल्बिडो कंट्रोल कर रहा है क्योंकि इसकी आंखें लाल हो गई हैं। और ग्वेन बेबी के इतना ही कहते अल्टीमेट ह्यूमांगस और उनके पास आ जाता है और उनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। और तभी ग्वेन अल्टीमेट ह्यूमांगस और के ऊपर अटैक करती है और तभी होता है ये। और इन सारी कला कांडियों को देख के मेरी प्यारी ग्वेन कहती है कि अगर इसे रोका नहीं गया तो ये खुद को ही नुकसान पहुंचा लेगा। और तभी केविन 11 एक कार को उठा के अल्टीमेट ह्यूमांगस और को दे मारता है और अल्टीमेट ह्यूमांगस और वैसे ही उड़ता है जैसे माही अपने बल्ले से किसी बॉल को मारता है। और फिर टीम टेनिसन जहां पे अल्टीमेट ह्यूमांगस और गिरा होता है जाके वहां पे पहुंचती है और ग्वेन कहती है केविन से मजा आया मार के, केविन कहता है हां बहुत आया। और फिर उस जगह पे पहुंच जाने के बाद जहां पे अल्टीमेट ह्यूमांगस और गिरा हुआ होता है, ग्वेन कहती है कि मैं अब ऐसा जादू करती हूँ जिसकी वजह से बेन की पर्सनालिटी उसको वापस मिल जाए। और गुरु लोग तभी मेरी प्यारी ग्वेन अपने जादू मंत्र वाली किताब से एक ऐसा मंत्र फूंकती है कि बेन की पर्सनालिटी उसे वापस मिल जाती है और वो उस गड्ढे से निकाल के उसे जमीन पे गिरा देती है। जैसे ही बेन की पर्सनालिटी उसे वापस मिलती है, केविन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और ग्वेन बेन के पास दौड़ के जाती है और कहती है बेन तुम ठीक हो ना। और गुरु लोग कसम से ये सीन देख के हमारी आगे से गीली और पीछे से पीली हो गई थी। जब बेन के अंदर अल्टीमेट ह्यूमांगस और की आत्मा आ जाती है और बेन करता है ये मेरा नाम नहीं है। और गुरु लोग बेन का ये हाल देख के टीम टेनिसन की फटके चौराहा हो जाती है। उसके बाद में बेन की पर्सनालिटी उसे वापस से मिल जाती है और बेन ग्वेन से कहता है कि कोई बात नहीं डरो मत, ये मैं ही हूँ तुम्हारा बेन। पर कौन सा अल्टीमेट ह्यूमांगस और ने कच्ची गोटियां खेली होती है, वो वापस से बेन के पर्सनालिटी के ऊपर हावी हो जाता है और बेन एंड अल्टीमेट ह्यूमांगस और की वापस से लड़ाई होने लगती है। और फिर ग्वेन केविन से कहती है कि बेन को रोकने के लिए मुझे इसके ऊपर एक जादू मंत्र फूकना पड़ेगा जिसकी वजह से बेन सो जाएगा। और फिर मेरी प्यारी ग्वेन एक ऐसा मंत्र फूकती है जिसकी वजह से बेन सो जाता है और उसी वक्त वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है अल्टीमेट ह्यूमांगस और में। तो गुरु लोग अल्टीमेट ह्यूमांगस और बेन के सो जाने के बाद में ना जाने टीम टेंशन कहां से एक साइकिक ढूंढ के लेके आती है। अबे साइकियाट्रिस्ट नहीं बोला जाता तुमसे? हां तो ही बोल देना, बड़ा आया। तो ठीक है, तो गुरु लोग बेन के सो जाने के बाद में ना जाने टीम टेंशन कहां से एक साइकियाट्रिस्ट ढूंढ के लाते हैं। और भाई साहब तुम्हारी जानकारी के लिए बता दें कि ये जो साइकियाट्रिस्ट आई हुई होती है ये बेलबुड सिटी की सबसे फेमस साइकियाट्रिस्ट होती है।
अल्टीमेट ह्यूमांगस ऑर की टेढ़ी कला कांडियों को देख के डॉक्टर बोरहेस कहती है कि ऐसा केस तो मैंने देखा ही नहीं अपनी जिंदगी में कभी। और तभी ग्वेन कहती है कि मेरी आंटी ने बताया था कि आप इस सिटी की सबसे फेमस और सबसे अच्छी साइकेट्रिस्ट है, क्या आप मेरी हेल्प कर पाएंगी। तो उसी वक्त केविन कहता है सच सच बताना डॉक्टर साहब, कर पाएंगी तो ठीक है, नहीं तो हम फर्जी का फीस नहीं देने वाले। और तभी डॉक्टर बोरहेस बोल पड़ती है कि अगर मैंने इस केस को सॉल्व कर दिया तो मैं और भी ज्यादा पॉपुलर हो जाऊंगी। और इतना ही कहने के बाद में डॉक्टर बोरहेस अल्टीमेट ह्यूमांगस ऑर से सवाल करने लगती हैं कि तुम्हारे मम्मी के साथ में कैसा ताल्लुकात था। और तभी अल्टीमेट ह्यूमांगस ऑर अपने दिल पे पत्थर रख के कहता है कि जब मैं अंडे से निकल ही रहा था तभी वो हमको खाना चाहती थी। और तभी बेन की पर्सनैलिटी अल्टीमेट ह्यूमांगस ऑर के बॉडी पे हावी हो जाती है और उस टाइम पे डॉक्टर उससे ये सवाल करती है कि तुम्हारे बचपन में कोई ऐसा हादसा हुआ था जिससे तुम काफी ज्यादा डर गए हो। और तभी बेंटन क्लासिक का रेफरेंस देता है और बताता है कि बचपन में मुझे एक जोकर ने तंग कर दिया था और तब से मैं बहुत ज्यादा डर गई। और फिर डॉक्टर बोरहेस बेन से कहती है छोटी मोटी चीजें मत गिनाओ, तुम ये सब छोड़ो और ये बताओ कि तुम्हें सपने कैसे आते हैं। और तभी अल्टीमेट ह्यूमांगस ऑर बेन की पर्सनैलिटी के ऊपर फिर से हावी हो जाता है और कहता है कि मुझे बेन से आजाद होने के सपने आते हैं हमेशा। और तभी डॉक्टर साहिबा कहती है कि तुम तो बेन का ही एक पार्ट हो, तो उसे इतनी नफरत क्यों करते हो। और तभी अल्टीमेट ह्यूमांगस ऑर कहता है कि मैं बेन नहीं हूँ, मेरे पास एक खुद का दिमाग है, मेरे पास अपना खुद का दिल है और मेरी अपनी दुनिया है जहाँ पे मैं खुद सोचता हूँ और वहाँ पे जीना चाहता हूँ। पर बेन ने मुझे इस अल्टीमेट रिक्स के अंदर में कैद कर लिया है। और तभी बेन की पर्सनैलिटी अल्टीमेट ह्यूमांगस ऑर के ऊपर हावी हो जाती है और कहती है मुझे तुमसे नफरत है। और ये सब देख के डॉक्टर बोरहेस टीम टेनिसन से कहती है कि मैंने ऐसी चीजें काफी बार देखी हैं जहाँ पे दो लोग अपनी डीएनए को शेयर करते हैं और वहीं पे उलझ जाते हैं। और ये सुनते ही ग्वेन काफी ज्यादा डर जाती है और कहती है कि आप बेन कभी ठीक नहीं हो सकता। और गुरु लोग तभी डॉक्टर बोरहेस कहती है कि एक बार मैं अपना हिप्नोटाइज ट्राई करके देखती हूँ, हो सकता है इन दोनों पर्सनैलिटी के बीच में जो झगड़ा है वो सुलझ जाए। और तभी अल्टीमेट ह्यूमांगस ऑर डॉक्टर साहब को देख के कहता है कि हम जैसे तुमको हिप्नोटाइज करने देंगे ना आंटी। पर ना जाने कैसे टीम टेनिसन और डॉक्टर बोरहेस अल्टीमेट ह्यूमांगस ऑर और बेन को कन्विंस कर लेती हैं हिप्नोटाइज करने के लिए। और फिर डॉक्टर दीदी ना जाने नींद हवा जल पानी और नाव का कौन सा ऐसा हिप्नोटाइज करती हैं कि अल्टीमेट ह्यूमांगस ऑर सो जाता है। डॉक्टर दीदी अपने हिप्नोटाइज को पूरा ही करने वाली होती हैं कि तभी अल्टीमेट ह्यूमांगस ऑर चिल्लाने लगता है कि उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। और ये देख के डॉक्टर दीदी वहाँ से भाग जाती हैं और अल्टीमेट ह्यूमांगस ऑर रेड कलर में काफी ज्यादा ग्लो करने लगता है। अल्टीमेट ह्यूमांगस ऑर काफी चिल्लाता है कि मेरे शरीर से निकल जाओ और मुझे काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। और उसी वक्त ओमनीट्रिक्स के अंदर में अल्टीमेट ह्यूमांगस ऑर चला जाता है। और तभी केविन अल्टीमेट रिक्स को उठा के देखता है तो उसके अंदर का डीएनए रोटेटर भी गायब हो जाता है और हमें देखने को मिलता है कि बेन अल्टीमेट रिक्स के अंदर पहुंच चुका है। पहले तो बेन को लगता है कि वो मर चुका है और काफी ज्यादा कोसता है खुद को कि इतनी छोटी सी उम्र में मैं कैसे मर सकता हूं? अभी तो मैं जवान था, मेरी उम्र ही क्या थी, मैं इतना ज्यादा फेमस था और तो और मैं कितना चार्मिंग दिखता था। पर क्या ही फायदा, भगवान ने हमें समय से पहले ही समेट लिया। और तभी केविन ग्वेन से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि बेन जिंदा होगा कि नहीं। ग्वेन कहती है कि ऐसा कुछ मत बोलो, मुझे पता है कि बेन जिंदा है, अगर उसे कुछ हुआ होता तो मुझे पता चल जाता। केविन कहता है कि अगर बेन जिंदा ही है तो आखिर में वो है कहाँ। और तभी ग्वेन अपनी मैजिकल पावर्स का यूज करती है और उससे ये पता चल जाता है कि बेन अल्टीमेट रिक्स के अंदर में फंसा हुआ है, पर वहाँ पे कुछ और भी खतरनाक लोग हैं और बेन के साथ में कुछ बहुत बुरा होने वाला है। जहाँ पे टीम टेनिसन बेन को लेके काफी ज्यादा परेशान होती है, वहीं पे बेन अल्टीमेट रिक्स के अंदर में गेड़िया मारा करता है। बेन अपने आप से ही काफी सारी शिकायतें करता है और उसके साथ में जो कांड हुआ उसको लेके अपने आप को कोसता है। तभी उसे आगे एक रेड कलर की लाइट दिखाई देती है और बेन कहता है कि अगर मैं मर चुका हूँ तो उस रेड लाइट के पास तो मुझे नहीं जाना चाहिए, और वो वहाँ से भागने लगता है कि तभी अल्टीमेट रिक्स के अंदर में अर्थक्वेक टाइप का कुछ आने लगता है और धरती फाड़ के वहाँ से अल्टीमेट एलियन एक एक करके बाहर निकलने लगते हैं। और तभी सारे अल्टीमेट एलियंस बेन को घेर लेते हैं और अल्टीमेट ह्यूमांगस ऑर बताता है कि बेटा ये अर्थक्वेक नहीं है, तुम अल्टीमेट रिक्स के अंदर में फंसे हुए हो। और फिर इसके बाद हमें ग्वेन एंड केविन दिखाए जाते हैं जहाँ पे ग्वेन केविन से कहती है कि हमें इस वॉच के अंदर में जाना पड़ेगा और केविन उसे मना करता है। और केविन कहता है कि मैं यहाँ पे अपना रास्ता चुनता हूँ, तुम अपना रास्ता चुनो, मैं अजमत के पास जाऊँगा इस वॉच को ठीक करवाने के लिए और तुम वॉच के अंदर में जाओ। और तभी ग्वेन अपने एनोडाइटियन वाले फॉर्म में आ जाती है और अल्टीमेट रिक्स के अंदर में खुद को टेलीपोर्ट कर लेती है। ऑन द एनोदर साइड केविन अजमत के होम प्लेनेट गैलवन प्राइम पे अपनी स्पेसशिप लेके जाने लगता है। अल्टीमेट रिक्स के अंदर में अल्टीमेट एलियन से घिरा
गिरा हमारा बेन सबसे कहता है कि तुम लोग झूठे हो, तुम लोग सच नहीं हो सकते हो, तुम सारे के सारे मेरी ही परछाई हो। वहीं पे अल्टीमेट एको बेन के ऊपर अटैक कर देता है और तभी अल्टीमेट स्पाइडर मंकी अपने जाले से बेन को बांध देता है और वहीं पे अल्टीमेट ह्यूमंगस और कहता है कि तुम कब समझोगे कि हम तुम्हारा हिस्सा नहीं है, हम सारे के सारे अलग अलग हैं और हमारे अंदर अपना खुद का एक दिमाग है। और तभी वहीं पे अल्टीमेट स्वयं फायर भी बोल पड़ता है कि हमारे दिल दिमाग हर एक चीज अलग है और हम जिंदा है, महसूस भी करते हैं चीजों को। और सिर्फ तुम्हारी वजह से हम इस अल्टीमेट्रिक्स के अंदर में फंसे हुए हैं और तुम्हारा दिमाग ही अल्टीमेट्रिक्स को कंट्रोल करता है, तो हम तुम्हें मार देंगे, तो ना रहोगे तुम ना रहेगा ये जेल। इतना ही कहने के बाद में अल्टीमेट ह्यूमंगस और बेन को खींचते हुए ले जाता है जहाँ पे बेन ट्रांसफॉर्म हो जाता है घोस्ट फ्रीक के अंदर में और उस कैद से आजाद हो जाता है। और आजाद होते ही घोस्ट फ्रीक कहता है कि अब तुम सब मेरे कंट्रोल में आने वाले हो। और इतना ही कहते अल्टीमेट ह्यूमंगस और की बॉडी पे कंट्रोल पाने के लिए आगे बढ़ता है पर वो उसमें नाकामयाब हो जाता है। और फिर अल्टीमेट ह्यूमंगस और हंस के कहता है, तुम कुछ समझते नहीं हो टेनिसन, तुम हमें यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर सकते, हम में से किसी को भी नहीं। अल्टीमेट ह्यूमंगस और के इतना ही कहने के बाद में अल्टीमेट बिग चिल घोस्ट फ्रीक के ऊपर में अटैक करने लगता है जहाँ पे अपने फायर आइस की हेल्प से घोस्ट फ्रीक को फ्रीज कर देता है और उसी वक्त बेन ट्रांसफॉर्म हो जाता है हीट ब्लास्ट में। अल्टीमेट बिग चिल की बर्फ से आजाद होने के बाद में बेन फिर से ट्रांसफॉर्म हो जाता है ब्रेन स्टोन में और वहाँ पे उन अल्टीमेट से बच के भागने लगता है। और तभी सारे अल्टीमेट एलियंस ब्रेन स्टोन का पीछा करने लगते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं। और तभी सारे अल्टीमेट एलियन एक बार फिर से ब्रेन स्टोन को घेर लेते हैं जहाँ पे ब्रेन स्टोन कहता है, सुनो मेरी बात, तुम्हें याद है ना कि मैं अच्छे लोगों में से हूँ, एक हीरो हूँ मैं। और गुरु लोग इतना ही कहने के बाद में ब्रेन स्टोन ट्रांसफॉर्म हो जाता है डायमंड हेड में और वहाँ पे अल्टीमेट एलियंस वर्सेस डायमंड हेड की काफी बेहतरीन लड़ाई देखने को मिलती है। एंड एट द लास्ट अल्टीमेट रिक्स के अंदर की पावर खत्म हो जाती है और डायमंड हेड ट्रांसफॉर्म हो जाता है बेन में। और तभी सारे अल्टीमेट एलियन एक बार वापस से बेन को घेर लेते हैं और इस बार बिना चूके बेन को तुरंत मारने की कोशिश करते हैं पर वहीं पे ग्वेन आ जाती है। ग्वेन कहती है सबसे कि बेन से तुम दूर ही रहना, बेन को सिर्फ सताने और परेशान करने की जिम्मा हमारा ही है, तुम आए तो तुम्हारा मुंह तोड़ देंगे। और ग्वेन बेन को जिंदा देख के काफी ज्यादा खुश हो जाती है, उसे गले से लगा लेती है पर बेन कहता है, बहना अभी इन सबका टाइम नहीं है, ये लोग हमारे सर पे सवार है मारने के लिए हमको। और इन सारी कलाकांडियों के बीच में केविन भी एक रायता फैलाने के लिए अजमत के प्लेनेट पे जाता है जहाँ पे अजमत का होलोग्राम केविन को मना करता है कि हमारे प्लेनेट पे बिना इजाजत मत आना वरना मुंह तोड़ देंगे। केविन भी ढीठ इंसान है, वो कहाँ का सुनने वाला है किसी की, और बिना पूछे पाछे चला जाता है गैल्वन प्राइम के प्लेनेट पे जहाँ पे उसके ऊपर लेजर से फायर होता है पर वो उन लेजर से तो बच जाता है पर लैंडिंग सेफ नहीं कर पाता और अपने प्लेन की सत्या पीट देता है। काफी गंदी लैंडिंग कराने के बाद में और अपने प्लेन को पूरी तरीके से तबाह करने के बाद में केविन बढ़ने लगता है अजमत के लैब के पास जहाँ पे उसे सेकेंडरी सिक्योरिटी मिल जाती है। और फिर केविन 11 और सेकेंडरी सिक्योरिटी यानी कि अपग्रेड एलियन की काफी गंदी लड़ाई होती है जहाँ पे केविन 11 बहुत गंदे तरीके से कूटा जाता है पर केविन 11 भी डटा रहता है एक्स गर्लफ्रेंड की तरह, वो चिल्ला चिल्ला के अजमत को दुहाइयां देता है और अजमत इतनी ज्यादा नौटंकी देख के आ ही जाता है। और वहीं पे अजमत आ जाता है और कहता है कि केविन तुम तो सुधर रहे हो पर ऐसा काम दोबारा मत करना वरना ये अब की बार तुम्हें कूटेगा तो मैं बचाने नहीं आऊंगा तुमको। और इतना कहने के बाद में अजमत और केविन टेलीपोर्ट हो जाते हैं। और दूसरी साइड अब अल्टीमेट्रिक्स के अंदर में बेन ही नहीं ग्वेन भी फंस जाती है जहाँ पे सारे अल्टीमेट एलियन ग्वेन और बेन के ऊपर अटैक करते हैं और बेन गुस्सा होकर ट्रांसफॉर्म हो जाता है बेबिग में जहाँ पे बेबिग सबको एक एक थप्पड़ मारता है और सारे एलियन डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं और वो उनका पीछा करता है। और तभी बेबिग क्वेन से कहता है कि ये सारे अल्टीमेट एलियन उससे कह रहे थे कि ये जिंदा हैं और अल्टीमेट ट्रिक्स के अंदर में फंसे हुए हैं। तभी ग्वेन कहती है कि तुम्हें इसके बारे में नहीं ना पता था तो चिल मारो पर बेन का मायूस चेहरा देख के क्वेन को पता चल जाता है कि बेन के अंदर काफी खुरापाती प्लान चल रहा है। और क्वेन कहती है कि बेन क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, मुझसे बता सकते हो। और तभी बेन एंड ग्वेन उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे अल्टीमेट एलियंस भाग के छुपे हुए होते हैं पर वहाँ पे कोई ना दिखता है। और तभी ग्वेन उन सारे अल्टीमेट एलियंस को ढूंढने में लग जाती है जहाँ पे वो सारे एक साथ उन्हें मिल जाते हैं। और बेन कहता है कि तुम सारे मुझे यहाँ पे जानबूझ के लाए हो। वहीं पे अल्टीमेट ह्यूमंगस और कहता है कि बहुत जल्दी समझ गए गुरु। अल्टीमेट ह्यूमंगस और बेबिग के पाँव को पकड़ के गिरा देता है उस गड्ढे के पास में जहाँ से आग निकलती है लाल कलर की। और फिर सारे अल्टीमेट एलियन कहते हैं कि इस गड्ढे में कूद जाओ जहाँ पे बेबिग कहता है इतनी जल्दी नहीं। पर तैसे ही बेबिग की बैटरी खत्म हो जाती है और वापस से वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है बेन के अंदर में। ना जाने अल्टीमेट एको के दिमाग में ऐसा आइडिया कहाँ से आता है और वो ग्वेन के ऊपर अटैक कर देता है पर ग्वेन इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि सारे अल्टीमेट एलियन पे भारी पड़ती है। अल्टीमेट एको के साउंड डिस्क को तोड़ देती है और बेन से कहती है कि मैं ज्यादा इस देर तक इस रूप में रही तो इसी में फंसी रह जाऊंगी, तो इसी वजह से अब जल्दी जल्दी मैं इन सारे अल्टीमेट एलियन के डीएनए को ही मिटा देती हूँ ताकि हम यहाँ से बाहर निकल पाए। तभी बेन ग्वेन को मना करता है एक सच्चे हीरो की तरह और कहता है कि ये सारे मेरी वजह से फंसे हैं तो अब इसकी मेरी जिम्मेदारी है कि इन्हें यहाँ से मैं ही बाहर निकालू।
लूंगा। और फिर बेन अपनी प्यारी बहन ग्वेन को एक लास्ट गुड बाय बोलता है और चला जाता है उस गड्ढे के पास में जहाँ पे सारे अल्टीमेट एलियन बेन को कूदने के लिए कहते हैं। और बेन उस गड्ढे से कूदने से पहले सारे अल्टीमेट एलियन से कहता है कि मैं तुम सबका कभी बुरा नहीं चाहता था, तुम सबका नहीं पूरे जहाँ का कभी मैंने बुरा नहीं सोचा है। इतना ही कहते बेन अपने अंदर में काफी हिम्मत को जुटाता है और कूद जाता है उस गड्ढे के अंदर में। और फिर बेन की आंखें खुलती हैं तो देखता है सारे अल्टीमेट एलियन और टीम टेनिसन उसे देख रही होती है। बेन उठते ही कहता है कि मैं तो मर गया था ना, तो मैं जिंदा कैसे हूँ। और तभी एजमत जो कि अल्टीमेट रिक्स को ठीक कर रहा होता है वो बताता है कि तुम्हारी कुर्बानी ने अल्टीमेट रिक्स को रीसेट कर दिया और उन सारे ग्लिचेस को मिटा दिया जो कि अल्टीमेट रिक्स के अंदर में हो रहे थे। और तभी अल्टीमेट ह्यूमंगस और कहता है कि अब हम यहाँ से तो निकल गए हैं पर हम कहाँ जाएंगे क्योंकि आज तक हमारा घर तो अल्टीमेट रिक्स ही था। और केविन कहता है अल्टीमेट ह्यूमंगस और से कि तुम चाहो तो अल्टीमेट रिक्स के अंदर में वापस से जा सकते हो, बेन को कोई दिक्कत नहीं होगी। और अल्टीमेट ह्यूमंगस और केविन को ऐसे घूरता है कि केविन अपने पैंट में ही मूत मारता है। और तभी बेन कहता है कोई ना कोई पूरे यूनिवर्स में ऐसी जगह होगी जहाँ तुम सब एक साथ रह पाओ। और एजमत कहता है कि उस जगह पे मैं तुम सबको लेके जाऊंगा। और एजमत एक ऐसे पोर्टल को खोलता है जो दूसरे प्लेनेट का होता है और एक एक करके सारे अल्टीमेट एलियंस वहाँ से जाने लगते हैं। और अल्टीमेट ह्यूमंगस और बेन से कहता है बेन हम तुम्हारे बारे में गलत सोचते थे, हम नहीं मैं खासकर सबसे ज्यादा गलत सोचता था तुम्हारे बारे में, पर तुम ऐसे नहीं हो, तुम सच में एक हीरो हो। और इतना कहने के बाद में अल्टीमेट ह्यूमंगस और भी वहाँ से चला जाता है। तभी बेन कहता है कि तुम सबका तो नहीं पता गुरु पर हमको बहुत तेजी से भूख लगी है और हमको कुछ खाने को चाहिए। तभी कंजूस केविन अपनी जेब को ढीला करते कहता है कि आज की पार्टी मेरी तरफ से। और यहीं पे अल्टीमेट सैक्रिफाइस एपिसोड का एंडिंग हो जाता है।